तक आपके साथ हूं मैं नेहा बादन। चुनावी लंच ब्रेक में पंजाब का हमारा चुनावी सफर जारी है, लेकिन फोकस जायके पर भी है, क्योंकि जायके के सफर में अब हम आ पहुंचे हैं इस वक्त एक ऐसी जगह जहां पर तंदूरी नान, तंदूरी कुलचा थमाधम बन रहा है एक के बाद एक लगातार। और ये बताया जा रहा है मुझे, क्योंकि हम यहाँ पर कपूरथला शहर में हैं, तो ये यहाँ का सबसे प्रचलित पॉइंट है जहाँ पर लोग ये कुलचे का स्वाद लेने आते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? धीरज। धीरज कुलचे निकालते हैं रोज इस तंदूर से आप? मैडम कम से 1500 हो जाते हैं। 1500 कुलचे? आलू वाले, प्याज वाले, पनीर वाले, मिक्स पनीर आलू। ये आपके असिस्टेंट है यहाँ पर, ये क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। आप भरते हो ये कुलचा? हाँ जी। बहुत तेजी से आप चल रहा है आपका? 1500। अरे बाप रे, सारे तो देखिए एक के बाद एक कुलचे भरे जा रहे हैं और तंदूर में लगाए जा रहे हैं। ये दरअसल इस वक्त सबसे पीक समय है, लंच का समय है, और यहाँ पर हमारे साथ भापा जी जिनकी ये दुकान है ये मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। कितने साल से आपकी दुकान है? 17-18 साल से। 17-18 साल हो गए आपको कपूरथला में जी। तो आपको तो बहुत सारी यहाँ पर चीजें देखी होंगी बदलते हुए। कपूरथला में क्या बनता है? पहले तो आप खाने की बात कर लेते हैं, ये क्या है? ये छोले, न्यूट्री चने। ये न्यूट्री चने? हाँ जी हाँ जी। और वो छोले? हाँ जी हाँ जी, वो चने। वो न्यूट्री क्या पसंद करें, न्यूट्री चने या छोले? फेमस तो पहले तो न्यूट्री लेके आए थे, लेकिन पब्लिक डिमांड के कारण चने रखना पड़ा। मतलब धीरे धीरे वक्त के साथ फ्लेवर भी बदल गया, जो लोग मांगे वो दो। और आपके कुलचे कौन से ज्यादा सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं? मिक्स नान और स्पेशल नान। मिक्स नान और स्पेशल नान, उसके साथ ही दोनों सब्जी? दोनों सब्जी। 17 साल हो गए आपको ये गली वैसी की वैसी है या कुछ बदला है? सेम। और कपूरथला भी सेम? कपूरथला ही सेम। सेम। एक बात बताइए सरदार जी, कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, कपूरथला में कुछ नहीं बदला है। इस बार कपूरथला में जब चुनाव होगा 20 तारीख को वोट डालने आप भी जाएंगे? जाएंगे कि नहीं? हाँ जी जी जाएंगे, जाएंगे। तो जैसे आपका फ्लेवर नहीं बदला है, वैसे यहाँ पर जो चुनाव की चीजें वो भी नहीं बदलेंगी ना, क्या बदलेंगे? देखो जी, पब्लिक का रुझान है। ठीक है जी। और लोग हैं यहाँ पर, आप इनके यहाँ का स्वाद लेना है, क्या लिया आज आपने, क्या ऑर्डर करा है? नाम बताइए। नान चिराग। चिराग क्या काम करते हैं आप? चिराग मैं बैंकर हूँ, मैं ब्रांच मैनेजर हूँ HDFC। यहाँ का ये क्यों फेमस है, क्यों ये दुकान इतनी चलती है? हाइजीनिक का अच्छा टेस्ट होता है इनका, हाइजीनिक का। आप यही कपूरथला से हैं? ये बात बताइए कि यहाँ पर कपूरथला में इस बार चुनाव के लिहाज से, इलेक्शन के लिहाज से क्या मुख्य मुद्दा रहने वाला है? मेन यहाँ पे मैम डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट काफी टाइम से हो नहीं पाई। पिछले 5 साल से कुछ नहीं हुआ है, ऐसा क्यों है? लॉन्ग टर्म से एक ही है, पर्सन रूल कर रहा है। जाएंगे इस बार? हाँ जाएंगे। देखिए आपके मक्खन वाला जी मैम कुलचा नान तैयार है, छोले के साथ आप ट्राई करने वाले जी मैम। ऐसे ही मक्खन जो है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी भी लगाती है जी मैम, और वादों से कहती है कि आप हमें वोट करिए, हम आपको ये देंगे वो देंगे। उनके वादों पे यकीन होता है आपको? नहीं मैम, ऐसा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो वोटों के टाइम पे आ जाते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, बाद में भूल जाते हैं, फुलफिल कोई भी नहीं करता। यहाँ पर कपूरथला में रोजगार की प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है? नहीं मैम, काफी प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे, कोई भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन का नहीं है, यहाँ से जलंधर जाना पड़ता है, मेन कोई भी काम हो जलंधर में ही जाना पड़ता है। कपूरथला में ट्रैफिक की समस्या है, सड़क की समस्या जी मैम है, कंजेस्ट सारी है, और किसी सरकार ने उसको अभी तक एड्रेस नहीं करा है। नहीं मैम। आगे हम बढ़ते हैं, और क्योंकि यहाँ पर लगातार लोग आते जा रहे हैं, पैक भी करा रहे हैं। नाम तो बता ही सकते हो ना? कोमलप्रीत कौर। कोमल, एक बात बताओ, आप पढ़ते हो? यस यस। आपको कपूरथला में सेफ लगता है? यू फील सेफ? सेफ लगता है, सुरक्षित लगता है? किस टाइम के बाद लगता है कि आप घर से बाहर निकलना चाहिए? आई थिंक 7 to 8। आप 18 हो गए हो? यस। पहले फर्स्ट टाइम वोटर हो? इस बार वोट करोगे आप? नहीं, मैं 18 नहीं हूँ। नहीं, आपको सेफ लगता है कपूरथला? हाँ, सुरक्षित है। हाँ जी, ठीक है। चलिए, ये कुछ यंगस्टर्स है, और एक चीज तो बहुत जरूरी है यहाँ के लिहाज से जाना, और खासतौर पर क्योंकि आप महिला है, यहाँ पर जो नशे की प्रॉब्लम है वो कपूरथला में भी है,
पता नहीं, नहीं नहीं कुछ और लोग हैं यहाँ पर, कुछ और महिलाएं खाना खा रही। मैम आप यहीं पर क्यों खाती हैं, ये यहाँ का क्यों पसंद है आपको, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्णा देवी। कृष्णा देवी, यहाँ का ये क्यों सबसे ज्यादा लोग खाने आते हैं? अरे खाने आते हैं जो स्वाद लगता तभी आते हैं। हाँ जी, स्वाद है। हाँ जी, क्या क्या ऑर्डर करा आपने भाई, थाली जो इनकी है? हाँ जी हाँ जी, खा चुकी खाना? हाँ खा लिया। हाँ जी, एक बार बताइए आप वोट डालने जाएंगे? हाँ हाँ जी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। यहाँ लग रहा है कि जिस हिसाब से कपूरथला में किसके सबसे ज्यादा पोस्टर लगे हुए हैं? ज्यादा तो जी देखो उनके लगे हैं, राणा जी के। राणा जी किस पार्टी से? राणा जी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस से? यहाँ कपूरथला में कांग्रेस की हवा चलती है? अब देखो जी, अब ये तो अब पता नहीं किसकी हवा चलती, अब तो जीतने की बात ही पता लगेगा। पर आपको लगता है कुछ बदलना चाहिए यहाँ पर? नहीं नहीं हाँ बदलना तो चाहिए, नहीं बदलना तो चाहिए जी। किरण किरण एक बात बताओ, यहाँ कपूरथला में सेफ है लड़कियाँ? यहाँ पे जब आप घूमते हो आपको सेफ लगता है? कुछ तो लग रहा है लेकिन लड़कियां तो सेफ नहीं है आजकल। अच्छा, और मम्मी कह रही थी बहुत महंगाई है, बहुत दिक्कत है, ऐसा आपको भी लगता है? महंगाई तो है ही। ये कौन है आपकी भाभी है? क्या नाम है? जसप्रीत। आप तो वोट डालती होंगी कपूरथला से? वोट आपका? अभी मेरी न्यू वोट मिलेंगी, शादी का भी थोड़ा टाइम ही हुआ है। नहीं वोट आपका वोट है? नहीं बना अभी, नहीं बना है, वोटर कार्ड ही नहीं है। नहीं, इस बार आप वोटर कार्ड बनवाइए अपना, वोट डालनी चाहिए। एक बात बताइए, न्यू वोट बने तो नए सरनेम के हिसाब से वोट बने? अभी तक तो वोट डाला होगा आपने, पहले तो डाला होगा? नहीं डाला है, नहीं डाला। चलिए अच्छी बात नहीं है, अपना वोट डालना चाहिए। पहले तो बना था। हाँ जी बिल्कुल। शादी यहाँ कपूरथला में आप नई नई आई हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं आरसीएफ से करती हूँ बिलोंग, आरसीएफ से। ये कौन सी जगह है? इसी पास में ही, पास में ही जगह, आरसीएफ रोड। यस, आप पंजाब से, पंजाब की खासियत से वाकिफ होंगे, आपको कौन सी अच्छी बात लगती है यहाँ के कपूरथला में, या अच्छा क्या नहीं लगता है? अच्छा क्या बताएं, अच्छा लगता है वैसे सब कुछ ही अच्छा लगता है, और कुछ बातें हैं और अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे इतनी महंगाई है और महंगाई में मतलब रहना मुश्किल है, हो रहा है मतलब हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा है, तो वही बात अच्छी नहीं रही। पढ़ाई लिखाई इतनी किया, बच्चे नौकरी पकड़ी को कहीं मिल नहीं रही है, तो फिर बंदे तंग होना ही है। मैडम बढ़िया लगते हैं, बढ़िया लगता है, चंगा लगता है। वोट डालने जाएंगी 20 तारीख को? हाँ जी। वोट डालने जाओगी? हाँ जी। 20 तारीख को क्या लग रहा है यहाँ पर कपूरथला में, किसके सबसे ज्यादा नाम की चर्चा हो रही है? मैडम इतना तो सारे ही होती है और पता नहीं। हाँ बस जाओगे और निशान पे वोट लगाओगे? हाँ जी। हाँ देखोगे नहीं कौन जो है वो काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? नहीं मैडम, वो तो अपने समझ वरत के ही देखा गे कहने को पानी चाहिए कहने। आप भी ऐसी वोट करने वाले? हाँ जी। जाओगे 20 तारीख को? हाँ जी। कपूरथला से वापिस? नहीं फतुडिंगे से, पास ही में है यही। हाँ पर हाँ, यहाँ पर महिलाएं सेफ हैं, सुरक्षित फील करती हैं? हाँ जी। आप लोग रात में रात बाहर निकल सकते हो? हाँ जी। ऐसा कोई डर नहीं है? नहीं नहीं कोई डर नहीं है। यहाँ पर आगे अगर किसी को काम करना हो, रोजगार ढूंढना हो, नौकरी मिल जाती है आराम से? नौकरी दार नहीं है, नौकरी नहीं है यहाँ, कहीं बाहर जाना है। आपको प्रियंका गांधी का नारा समझ में आता है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? हाँ, समझ में आता है? तो ऐसा बोलती है तो आपको लगता है कि हाँ लड़कियाँ वाकई लड़ सकती हैं? हाँ जी हाँ। ऐसा लगता है? और केजरीवाल जी कहते हैं मैं फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा। हाँ, आपको लगता है ये सब जो फ्री के वादे हैं ये पूरे किए जाते हैं? तो मैडम बात ही पता लगते है करते है कि नहीं करते है के बातें? हाँ जी, बस बोल देते हैं। हाँ जी, बाद च नहीं कुछ भी करते है, पहला सारा कुछ कह लेंगे। हाँ जी, बाद में नहीं कुछ मतलब नहीं। नहीं कांग्रेस की? हाँ जी, पंजा चलता है। फिर आएगा पंजा, ऐसा लोग बोल रहे हैं या फिर आपकी बार पंजे को डाटा है? पौनी तो पंजे में याद आई, पौनी तो पंजे में चलता है। हाँ जी हाँ जी, पंजे में पाई थी हर साल कांग्रेस। पर अब तो वो अमरिंदर जी चले गए ना, पहले तो उनके नाम पे आता होगा, अब बदलेगा कुछ उससे? चन्नी जी का नाम सुना है? हाँ जी हाँ जी। वो अच्छे लगते हैं? हाँ जी हाँ जी। बढ़िया है, बढ़िया नेता है। चन्नी अच्छी है, केजरीवाल अच्छे हैं? मैडम तो भगवान मान जिनको कितना कॉमेडी करते हैं वो अच्छे लगते हैं आपको? उनको भी सीएम बनाने की बात हो रही है?
पता नहीं मैडम होना है चन्नी जी तो सुनो आपने, चन्नी जी सिद्धू जी कौन सा नेता अच्छा लगता है सबसे ज्यादा क्या नाम है सर जी आपका क्या नाम है मैं बात आप बताओ दुकान के बारे में बताओ कितने साल हो गए दुकान को कम से कम 25 साल 30 साल 25-30 साल हो गया क्या नाम है सूरज आप क्या भी वही जो हाँ जी हाँ जी कुछ फर्क है ना वही सेम है न्यू हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं नानी नानी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं वही मतलब कि तो सफाई हो गया एंड प्रिकॉशन एंड साफ सफाई हो गया हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम आप वोट डालोगे नहीं एक बार बताओ क्या नाम है आपका मैम गुजर सिंह क्या काम करते हो आप लोग एपेक्सन फैक्ट्री में लगे हुए मैं कौन सी फैक्ट्री है क्या बनाती है क्रोकरे फैक्ट्री से बनाती है मैडम क्रोकरे से फैक्ट्री से मैम यस मैडम हाँ जी मैम कोरोना आया आपके बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला गया मैं बहुत सारे लोगों ने कितने दिन फैक्ट्री बंद रही हफ्ता एक मैडम बंद रही फैक्ट्री अच्छा कैसे घर चला वैसे मैडम कुछ जो यस मैडम यस कुछ नहीं हाँ थ्री तो मैडम हुई है तो एक बार बताओ जब ये सरकार बोलती है कि हमने ये अनाज दिया हमने राशन कार्ड की मदद करी ऐसा कुछ हुआ कुछ नहीं क्या नाम है आपका जसवीर सिंह मैडम अभी सेम फैक्ट्री हाँ जी कितने लोगों को निकाला गया आपकी मैंने कटवर 200-250 बंदा निकाला 200-250 अब वो वापस उनकी बहाली हो गई या नहीं हुई है नहीं अभी कोई कोई ले रहा है जिसको अच्छा लगता है वो गवर्नमेंट जिसकी पावर है ना जिसको मतलब पहुंच जाए वो उम्र लग गया मतलब आते लग गए 250-300 में 100 आदमी लगा है पीछे फिर बाकी नहीं लगा घर कैसे चल रहा है कुछ और रोजगार है नो ना है नहीं ढूंढ रहे अभी तक 2 सालों में नौकरी हाँ जी तो यहाँ पर हमने कुछ लोगों से जाना कपूरथला में कि क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव के और खाने पीने की बात तो हो ही रही है यहाँ पर जो रोटी है जो कुलचा है जो यहाँ का जायका है वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं बहुत अच्छे बनते हैं हमने देखा भी और जाना भी ये खुशबू है दरअसल उस तंदूरी कुलचे की जो इस पूरी गली में आपको आएगी और यहाँ की भीड़ देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल कपूरथला इस जगह के लिए क्यों मशहूर है इस जगह के लिए क्यों जानी जाती है और भापा जी की दुकान जहाँ तक हम आपको लेकर आए ये जायके का सफर हमने आपको यहाँ तक कराया लेकिन क्या इस बार वोट का आधार बनेगा ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है पंजाब चुनाव के लिहाज से कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ नेहा बाथम कपूरथला आज तक